हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक तो लास्ट लेक्चर में लेबोरेटरी थर्मोमीटर ख़त्म किया ठीक है दो तीन ने भेजे मुझे आंसर्स थैंक यू गुड मैंने उनको कनेक्ट करके बता दिया क्या गलती थी ठीक है आगे बढ़ते हैं तो ट्रांसफर ऑफ हीट पर चलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट में हम लोग तीन पार्ट पढ़ने वाले हैं वो है कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन रेडिएशन आपके साथ पर्सनली डिस्कस करूंगा आज कंडक्शन और कन्वेक्शन डिस्कस करते हैं ठीक है तो ट्रांसफर ऑफ हीट ट्रांसफर ऑफ हीट क्या कहता है यू दैट अ फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट वेन केपट ऑन अ फ्लेम ऑब्वियसली होता है इट इज बिकॉज दीट पासिस फ्लेम टू दूटेंसिल वेन द पैन इज रिमूव फ्रॉम इट स्लोलीज इट कूल डाउन द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग सो यू कैन अंडरस्टैंड बोथ द केसेज हीट फ्लोज फ्रॉम अटर टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट यही तो आपको समझाया था लास्ट लेक्चर के एंड में कि हीट का फ्लो होता का से है सो so दैट हम लोग जब बिगिन करें तो हम लोग कुछ चीजें पता हो हीट का फ्लो हमेशा हॉट टू कोल्ड होता है इनफैक्ट इन ऑल केसेज हीट फ्लोज फ्रॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट हाउ डज हीट फ्लो लेट लेटस इन्वेस्टिगेट पहली एज डज इट मीन हीट विल नॉट बी द द द ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज सेम मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफर नहीं होता क्योंकि हीट तब तक ट्रांसफर होता है सो दैट टेम्परेचर क्या हो जाए सेम हो जाए बढ़ते आगे टेक अ रॉड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ अ मेटल से ऑफ एल्यूमिनियम और रॉड फिक्स अ स्मॉल पीस ऑन द रॉड दीज पीसेस शुड बी केप्ट एट नियरली इक्वल डिस्टेंसेज के हैं ठीक है क्लाइम द रॉड टू अटैंड इफ यू डू नॉट फाइंड अस्टैंड ऑफ द रॉड इन बिटवीन ब्रिक्स नाउ हीट द रॉड एंड ऑब्जर्व इथ तो आप क्या मुझे एक चीज बताओ जब आप हीट करते हो ठीक है जब आप हीट करते हो तो हीट करने से होता क्या है बेसिकली हीट करने से क्या होता है आपका वैक्स क्या हो जाता है पिघलता है तो अगर वैक्स जो आपका चिपका हुआ है जब वो पिघलेगा तो वो नीचे की तरफ गिर जाएगा बिल्कुल ठीक बात है तो अब क्या है जब मैंने इस एंड से हीट करना चालू किया तो ऑब्वियसली हीट कहा से कहा से कोल्ड तो मतलब यहां से यहाँ तो जब जब जैसे जैसे हीट का ट्रांसफर यहाँ यहां होता जाएगा वैसे वैसे आपको दिखता जाएगा कि एक मोम की पत्ती गिर रही है नीचे मोम इज वैक्स सो वही क्वेश्चन ये पूछ रहा है नाउ हीट द अदर एंड टू द ऑफ द रॉड एंड ऑब्जर्व

द प्रोसेस बाई विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन इट जनरली टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स याद रखना ये जो वर्ड है कंडक्शन हॉटर टू कोल्डर एंड जब जाता है इन सॉलिड्स जब जाता है उसे हम कहते हैं कंडक्शन ठीक है इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन हम लोग सॉलिड्स के बारे में पढ़ते हैं लिक्विड्स के अंदर हम लोग कन्वेक्शन प्रोसेस पढ़ते हैं ठीक है फ्लू या लिक्विड्स के अंदर डू ऑल सब्सटेंसेज कंडक्ट हीट इजिली ऑब्वियसली नहीं ठीक है, प्लास्टिक और अ वुडन हैंडल कैन लिफ्ट हॉट पैन बाय होल हाँ, आप लोग हैंडल से ही तो पकड़ते हो जो भी कढ़ाई आपकी गर्म होती है कुछ भी होता है हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन और बेकर कलेक्ट समल स्टील स्पून प्लास्टिक स्केल पेंसिल एंड वन एंड ऑफ ईच ऑफ दीज आर्टिकल्स इन हॉट वाटर वेट फॉर फ्यू मिनट्स

आयरन एंड कॉपर इनके अंदर क्या होती है बहुत जल्दी ये लोग गर्म हो जाते हैं और ये लोग हीट को पास थ्रू करने देते हैं द मेटल्स विच द मेटीरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पासिल आर आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट और इनके एग्जाम्पल क्या है प्लास्टिक एंड वुड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट को हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं वो है आपका इंस्यूलेटर ठीक है तो मेटल्स आर जनरली मेटल्स एक्चुअली में क्या होते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं जबकि नॉन मेटल्स लाइक ये आपका प्लास्टिक हो गया वुड हो गया ये क्या है आपके इंसुलेटर्स हैं जो बिल्कुल पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीट है पास थ्रू हीट नहीं करने देते ऑब्वियसली थोड़ी बहुत तो थो चीजें कुछ ना कुछ तो गर्म हो ही जाती है ऑब्वियसली पेड़ के पास जाओगे तो वुड आपको थोड़ा बहुत तो गर्म लगता ही है लेकिन फिर भी ये वैसे गर्म नहीं हो सकता जैसे एक मेटल पीस हो जाता है जब धूप के अंदर रखा गया हो तो ठीक है तो ये इसलिए पुअर कंडक्टर्स है ये कंडक्टर्स है वॉटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दीज सब्स लेटेस्ट फाइंड आउट तो पानी के अंदर कैसे ट्रांसफर होता है ये हम देखेंगे अब हम लोग दूसरे मेथड पर जा रहे हैं आज का एंड टॉपिक हमारा लैंग्विज सीबीज होगा ठीक है और उसके बाद में आपकी जूम क्लास में आगे का लेक्चर खत्म करूंगा एक्टिविटी फोर पॉइंट एट टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क इफ फ्लास्क इज नॉट अवेलेबल टेक अ बीकर फिर एट टू थर्ड विद्लेस इट ऑन ट्राइपोडमेंट टू प्लेस दच्सिंग कैंडल को भी यूज कर सकते हो वेट टिल्लास्क इज स्टिली मेरे दिमाग में आया अभी बंसन बर्नर आप लोग को आइडिया होगा या नहीं होगा ऐसा कुछ होता है यहाँ पर एक फ्लेम लगी हुई होती है ये आपका बंसन बर्नर होता है ये गैस की तरह ऑन होता है ठीक है और यहाँ पर आप क्या रखते हो बीकर रखते हो वेट टिल द द इन फ्लास्क स्टिल प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेश मैगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क जेंटली यूजिंग अ के थ्रू जेंटली धीरे से आप क्या करो उसको स्ट्रॉ को पकड़ 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 के आप ऑब्वियसली को दबा दोगे तो वो पास शुरू नहीं होगा तो उसको पकड़ पकड़ के क्या करो जेंटली वहां तक पहुंचा दो ठीक है नीचे पहुंचा दो नाउ हीट द दॉटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल क्रिस्टल के जस्ट बिलो रखो ठीक है पर डायग्राम दिया हुआ है वो भी देखते हैं राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड ऑल पिक्चर ऑफ वॉट ऑब्जर्व एन वॉटर इज हीटेड द बॉटर नियर द फ्लेम्स गेट्स हॉट तो जो आपको ना यहाँ पर क्या दिखाई देंगी फ्लेम्स दिखाई देंगी एक्चुअली पानी का कौन सा पार्ट गर्म होता है जहां पर आपका फ्लेम अटैच है ठीक है जिस नियरेस्ट एंड पर जहां पर फ्लेम अटैच है वो पार्ट पहले गर्म होगा और उसके बाद क्या होता है वॉटर नियर द फ्लेम hot. हॉट हॉट वॉटर up. अब क्योंकि ये फ्लेम बन रही है तो पानी भी इसके साथ ऊपर चले जाता है इवेपोरेशन का प्रोसेस आपको पता है जब पानी गर्म होता है तो वो ऊपर जाता है दैट मीन हॉट वॉटर राइजेज अप एंड द कोल्ड वॉटर कोल्ड वॉटर फ्रॉम द टॉप टेक्स इट्स प्लेस द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड मूव डाउन टूवर्ड दिट और कोल्ड वॉटर क्या उसकी जगह ले लेता है तो यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फिनमिना है कि आपका हॉट वॉटर क्या होता है हमेशा ऊपर जाता है राइज अप हो जाता है और कोल्ड वाटर क्या होता है नीचे आ जाता है तो अब आप चलो एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता हूँ ए सी ऊपर क्यों लगते हैं एसी ऊपर इसलिए लगते है क्योंकि जब वो लोग कोल्ड एयर छिड़केंगे ठीक है तो हॉट एयर तो राइज अप हो जाएगी और एसी के पास फैन होता है तो फैन करता है क्या है उसके बाद एग्जॉस्ट भी होता है पीछे तो वो हॉट एयर को ले लेता है अंदर और हॉट एयर को बाहर फेंकता है ऊपर ले जाती है इसलिए आपके एसी ऊपर लगे हुए होते हैं ठीक है दिस वॉटर ऑल्सो गेट्स एंड वॉटर फ्रॉम द साइड मूव डाउन दिस प्रोसेस द होल वॉटर गेट्स मोड ऑफ हीट

ठीक है। uh, कैंडल द तो फ्लेम एंड वन हैंड ऑन साइड ऑफ द फ्लेम डू योर क्योंकि फ्लेम कहा जाती है ऊपर की तरफ जाती है। नोटिस टॉप द एयर गेट्स बायर फॉर हैंडव द फ्लेम फील्स हाउ एवर देर इज नो कन्वेक्शन एंड द एयर डज नॉट फील एज हॉट एज द टॉप द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज अब ये आपको समझ में आ गया कि ऊपर वाला पार्ट पर हॉट होता है नीचे पार्ट पर, पर कोल्ड होता है अब इसी को यूज करके हम लोग एक फेनोमिन पढ़ते हैं वो वो होता है लैंड ब्रीज ब्रीज और सी का तो वो समझते हैं द द पीपल लिविंग इन कोस्टल एक्सपीरियंस इंटरेस्टिंग ड्यूरिंग द डे ठीक है मतलब जो लोग कोस्टल एरिया सूरत के टाइप जो लोग जहा पर रहते हैं वो लोग एक अलग सा फिन ऑब्जर्व करते हैं एक अलग सी कंडीशन ऑब्जर्व करते हैं क्या होती है वो कंडीशन ड्यूरिंग द डे लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वॉटर होता क्या जो उनका लैंड होता है आपको पता है कि डे टाइम पर आपका जो फर्श होता है या लैंड होता है मतलब नीचे जाओगे अगर कंपाउंड के अंदर सोसाइटी के ठीक है वो आपको क्या लगेगा बहुत ज्यादा गर्म लगेगा द और अगर उसी टाइम पर अगर आप बीच की तरफ जाओगे ना तो बीच की तरफ आप अगर पैर रखोगे तो आपकी सैंड क्या होती है गर्म होती है जबकि वही आपका पानी उससे काफी ज्यादा ठंडा होता है सूदिंग होता है ठीक है तो समझना बात को ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट हीटेड फास्टर देन अब अगर लैंड हीट फास्टर हो रही है तो इसका मतलब इसके ऊपर जो एयर होगी इस लैंड के ऊपर वो भी ऑब्वियसली हीटअप होगी और अगर वो हीटअप होगी तो क्या मैं बोल सकता हूं कि हॉट एयर विल राइज अप बिल्कुल हाँ द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर ठीक है लैंड के ऊपर जो अब है वो हॉट हो रही है एंड अप अप तो राइज हो द कूलर एयर फ्रॉम द सी अब आपका सी यहां पर है ठीक है यहां से देखते हैं हम लोग प्रैक्टिकली तो ये आपका क्या हो गया ये आपका सी हो गया ये आपका सी पर क्या है आपका कोल्ड एयर है तो अब कोल्ड एयर क्या करती है हमेशा जगह ले लेती है एयर की द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेज इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस तो यहाँ पर जो आपकी कोल्ड एयर है वो कहाँ आ गई लैंड पर आ गई और जो हॉट एयर है वो तो कहाँ चली गई ऊपर चली गई और ऑब्वियसली बात है अगर कोल्ड एयर यहाँ पर आ रही है तो हॉट एयर उसकी जगह लेगी तो यहाँ पर चली जाएगी वॉर्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव टूवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल ऑब्वियसली अगर यहां से कुछ आ रहा है तो यहां पर देना भी तो पड़ेगा बहुत सिंपल सी बात है अगर टू इज इक्वल टू टू आ रहा है तो अगर इधर प्लस वन कर रहे हो तो इधर भी तो प्लस वन करना ही पड़ेगा ऐसे कि LHS में प्लस वन कर दोगे तो सिर्फ ठीक है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो द वॉर्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव टू द सी टू कंप्लीट द साइकिल द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज ऑब्वियसली ब्रीज का क्या मतलब होता है ब्रीज मतलब मूविंग एयर मूविंग एयर इज नोन एज ब्रीज ठीक है तो क्योंकि अब आप कैसे याद रखोगे कि लैंड ब्रीज क्या है और सी ब्रीज क्या है जहां से ठंडी हवा आ रही है उसका नाम ब्रीज का होता है ठीक है ब्रीज से पहले जो वर्ड लगता है आपका प्रीफिक्स लगता है वो आपका जहां से ठंडी हवा आ रही है तो ठंडी हवा कहां से आ रही थी सी से आ रही थी तो इसलिए सी ब्रीज To receive the cooler sea breeze, the windows of the houses in coastal areas are made to face the sea. Obviously, आपने देखा होगा जो भी

लैंड पर जा रही है हॉट एयर राइजेस अप फ्रॉम द सी और वो लैंड की तरफ जा रही है और कोल्ड एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड्स द सी तो अब इस ब्रीज का नाम क्या होगा लैंड ब्रीज होगा क्यों लैंड ब्रीज क्योंकि लैंड से ठंडी हवा आ रही है सो द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड्स द सी दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज ठीक है आज के लिए इतना ही आई होप आपको समझ में आ गया होगा सिर्फ दो पेजेस बचे मैं कंप्लीट करने वाला था लेकिन मुझे एक लेक्चर चाहिए जब मैं आपसे इंटरेक्ट करूं क्योंकि ये चैप्टर शायद लोगों को इतना इजी लगा ना हो ठीक है तो इंटरेक्ट करके मैं ट्यूजडे को जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर ये चैप्टर आपका खत्म करूंगा और थर्सडे को मैं थर्ड चैप्टर के नोट्स आपको डिलीवर करूंगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे और सैटरडे को हम लोग क्या लेंगे अगले हफ्ते का टेस्ट ले लेंगे ठीक है सो गाइज टिल देन खतम करते हैं ये लेक्चर को आई होप चीजें समझ में आ गई होगी लैंड ब्रिज सीब्रीज को एक बार आप लोग इसका डायग्राम देख लो ठीक है ये डायग्राम एनालाइज कर लो बहुत अच्छा दिया हुआ है कहाँ से कौन सी कूल एयर जा रही है वो इधर बताया हुआ है ठीक है उसके नीचे तो वहीं से लैंड ब्रिज सी ब्रिज नाम आ गया आपका और यहाँ पर आपका लेक्चर भी हो गया खत्म आई होप चीजें समझ में आ गई होगी और कन्वेक्शन और कंडक्शन है इजी था ठीक है कोई भी डाउट कॉन्टेक्ट कर लेना ठीक है एंड थैंक यू for watching thank you for listening me thank you for watching meet you in the next zoom class thank you